बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंदुझर जिले का ओटीपीएल चाय का बागान कभी विश्व प्रसिद्ध था, लेकिन अब यहाँ के हरे हरे चाय के बागान जंगल में तब्दील हो चुके हैं। जहाँ पहले देश के हर कोने से यहाँ बड़े बड़े ट्रक चाय को लोड करने के लिए आते हैं, वहीं आज यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। यहाँ बना अतिथि घर भी अब भूत बंगला बन चुका है। तो 2003 में ये ओटीपीएल कंपनी बंद हो गई थी और अब यहाँ केवल कंपनी की खराब मशीनें पड़ी हुई हैं। तो स्थानीय वासियों का ये कहना है कि अगर दोबारा से कंपनी को शुरू कर दिया जाए तो स्थानीय लोगों को कुछ रोजगार मिल सकेगा और रोजगार के क्षेत्र में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पहले बंद हो चुका है और 7-8 गांव में जो श्रमिक काम कर रहे थे वो अब मजदूरी कर रहे हैं बाहर जाकर, और हम चाह रहे हैं यहीं फिर से यहाँ एक कंपनी लागू हो। और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो चाय का है, वो बेवजह जी रहे हैं, और सरकार का ये उन्नयन होगा तो 6-7 गांव का लोग काम नियुक्ति मिल जाएगा उनको। यहाँ पे लाखों से ज़्यादा चाय पेड़ हैं और सब जंगल वंगल होके पड़ा है। हम चाह रहे हैं सरकार यहाँ नज़रबंद जो है वो नज़र दे। एक्चुअली तरमकांता इज ए ब्यूटिफुल प्लेस, इट इज नियरली 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस, and previously there was a tea estate and so many people were working there, and that tea estate has been stopped the commercial production since 2002 and actually we have not visited that place yet. I have to visit that place, collect the basic information why that estate was abandoned, if it is the or it will be economically viable and it will give some support, some livelihood support to the local people. We will definitely take steps to revive that Tarmakanta tea estate. तो इसी खबर पर सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो निर्मल, ओटीपीएल चाय का बागान जो कि कभी विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था, जहां पे अब खंडर बन चुका है, तो क्या कहेंगे वहां के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि फिर से ये कंपनी शुरू हो जाए और उनको रोजगार मिल सके। ठीक मैडम, आप जो बोले ठीक बोल रहे हैं। ये जो कंपनी जो हुआ था अभी 15 साल हो गया बंद हुआ है, वहाँ जो काम कर रहे थे 2000 से 2500 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, डेली रोजगार कर रहे थे और अच्छा से काम चल रहा था। क्या एक्चुअली जो उस टाइम क्या हुआ था, दो काम था और जो कंपनी है जो ओटीपीएल कंपनी उसका मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए ये बंद हो गया जी। और वहाँ का जो लोग काम कर रहे थे अभी तो काम तो बंद हो गया ना, इसलिए बाहर दादन के लिए बाहर चले गए। मतलब यहाँ का अभी रोज चल रहा है, ऐसा रोज चल रहा है कि कैसे फिर से शुरू होगा ये कंपनी, कैसे फिर शुरू होगा, क्योंकि चौंसठ का जो चाय है सबसे अच्छा था, वो लग चाह था सबसे अच्छा है जी। वो जो चाह था सबसे अच्छा था और यहाँ का डिमांड ज्यादा था वो काम पे। अभी यहाँ का रोज जहाँ ज्यादा लोग यहीं पे अभी रोज कर रहे हैं अभी, कैसे फिर से कंपनी शुरू होगा और जो ज्यादा से जो यहाँ का जो बेकारी समस्या है वो दूर हो पाएगा मैडम जी। निर्मल, जिस तरीके से लोग भी चाहते हैं कि दोबारा से ही इस कंपनी की शुरुआत हो जाए, क्योंकि 2003 में ये कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई थी, तो क्या अभी तक आपकी कंपनी के किसी भी व्यक्ति से कोई बात हो पाई है, क्या कुछ कहना है उनका, या फिर ये जगह खंडर ही बनी रहेगी? कंपनी का जो थे बसंत कुमार दुबे वो तो अभी नहीं है, जो कलकत्ता का जो मालिक है उनका था वो अभी नहीं है। फिर भी मैं वहाँ जो जिला प्रशासन का जो हूँ अधिकार से मैं बात किया था, वो बोल रहे थे पहले मैं जाऊंगा वहाँ देखूंगा कैसे ज्यादा कैसे कैसे फिर कैसे फिर से शुरू होगा, वो इसे बोल रहे थे। और एक तो बात है, अब नोट कीजिएगा, यहाँ का जो बेकारी समस्या जो बढ़ रही है आस्ते आस्ते धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो बेकारी समस्या जो काज चार कंपनी फिर से शुरू हो जाने से बहुत आदमी इधर काम कर सकते थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ओटीपीएल चाय का बागान कभी विश्व प्रसिद्ध तो था ही, और लोगों में कहीं ना कहीं ये आशा है कि फिर से ये कंपनी शुरू हो जाए जिससे उन्हें रोजगार मिल सके, लेकिन अभी तक कोई भी
चीज वहां पे सही नहीं हो पाई है। जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि पूरी तरीके से वो जगह खंडर बन चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये आशा बनाए हुए हैं कि फिर से ये कंपनी शुरू हो सकती है। तो फिलहाल उत्कल एक्सप्रेस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।